नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे और फोर्थ ऑफ मे 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ताकि मैंने बहुत सारा चीज़ मैंने एनालिसिस करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स देता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान कर देगा। और मैंने बाई सेल लेवल कम स्किनर बनाता हूँ, इसमें बाई से बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी बैंक निफ्टी निफ्टी कमोडिटी इक्विटी बैंक इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ। तो वो भी आप लोग को काम बहुत ही काम पे आएगा और आप लोग को आसानी से ट्रेड कर सकता है, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा मैंने लाइव डेमो ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी पेयर ट्रेडिंग लाइव डेमो दिखाता हूँ मेरा बाई सेल लेवल्स का, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पसंद होकर लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है। और ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर है, इसको बाई सेल लेवल कम स्किनर जो है इसका कैसे स्किनिंग, इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्किनिंग करना है, इसका वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल। तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है और कैसे इसको ट्रेड करना है। तो इसमें आप लोगों को सुविधा हो जाएगा और आप लोग इसका मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन होके इसका फ्री ट्रायल ले सकता है और इसका जो मैंने आप लोग ट्रेनिंग ले सकता है, क्योंकि इसका मैंने ये कैलकुलेशन कैसे काम करता है आप लोग को लाइव डेमो देख के और बहुत सारा बाई सेल लेवल्स देख के आप लोग को पता चल जाएगा। पिछले से आप लोग जो बाई सेल लेवल्स का वीडियोस देखेंगे तो नेक्स्ट डे कैसे कोई भी लेवल इक्विटी कोई भी सेगमेंट में इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और कोई भी लेवल्स मैंने बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग को एक कंपेरिजन मिलकर आप लोग को एक बेस्ट लेवल आप लोग डिटरमिन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कोई भी एक लेवल चुन सकता है और उसको उनके ऊपर ट्रेड कर सकता है, तो आप लोगों को प्रॉफिट जरूर आएगा। तो इसमें आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है और मैंने यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया है, इसका ट्रेनिंग के लिए आप लोग अप कर सकता है। तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, बहुत ही कम कीमत में इसका मैंने रखा है। तो इसका भी आप लोग कल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप कर सकता है, जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है उसमें कॉल सर्विस भी ले सकता है। और जो लोग एलिस ब्लू आस्था ट्रेड एंजल बुकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहता है वो भी मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक से आप लोग को आप लोग कर सकता है। और इसमें और भी ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, सैम्पल फाइल, उसमें भी क्या क्या है आप लोगों को देख सकता है। ये मैंने बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, इसमें कोई भी लेवल आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा और बहुत ही अच्छी तरह कोई भी एक लेवल और बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके आप लोग को दिखाता हूँ। और जो वोलेटिलिटी बेस्ड गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स और प्रोबेबिलिटी लेवल्स जो दिखाता हूँ, ये डायनामिक लेवल्स है, इसमें ही मार्केट चलता है, कोई भी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, वो आप लोगों को कहीं मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग इसका ट्रेनिंग ले लीजिए और इसका ऑप्ट करिए। तो देखिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है। पहले मैंने बहुत सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप लोग धैर्य रख के मैं पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा, नहीं तो आप लोग को कम देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में
जो जो कैंडल बना है इसका थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा स्मॉल वीक है, एक कैंडल स्टिक का थोड़ा सा स्मॉल वीक है, सॉलिड बॉडी है इसका, सॉलिड बॉडी लॉन्ग सॉलिड बॉडी है, बुलिश कैंडल्स लॉन्ग सॉलिड बॉडी बुलिश कैंडल है। तो इसका अप ट्रेंड जाने का मतलब ये, इसका जो कैंडल जो बनता है इसका अप ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और इसमें देखिए गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, लेकिन तो इसीलिए इसका जो गैप फिलिंग का जरूर आएगा, ठीक है, वो मैंने बाद में बोलता हूँ। लेकिन एक दिन आप लोगों को नहीं मिलेगा, या हो सकता है 5 दिन 7 दिन 10 दिन या 15 दिन 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन गैप फिलिंग आता है नॉर्मली, क्योंकि मार्केट गैप को पसंद नहीं करता है, गैप फिलिंग आ जाता है। और इसमें देखिए ट्रेंड जो है, ये क्लियरली ट्रेंड मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, ठीक है। उसके बाद और इधर थोड़ा सा कुछ एक मिनट दोस्तों, मेरा चार्ट को फिर से सेटअप करने दीजिए, थोड़ा सा अभी गड़ गया है। इसमें आप लोग देख सकता है ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है। इसमें जो इंडिकेटर्स वगैरह जो है, चैनल वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह जो कुछ भी है, ये अप ट्रेंड में दिखा रहा है। और इसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, कितना दूर जा सकता है, मतलब 10,500 या 10,600 तक इसका अप मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद फिर से गिर सकता है। क्यों गिर सकता है वो मैंने पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने डिस्कस करता हूँ कि ये 2008 से 5 वेव में ऊपर गया था, उसके बाद ये फिर से इसका करेक्शन वेव ए आया है 7511 तक, इसके बाद इसका करेक्शन वेव बी चल रहा है, इसका उस जितना जितना सा ऊपर जाएगा वो वेव ए में जितना सा गिर चुका है उसका कितने का उतना ही गिरने का पॉसिबिलिटी है। तो अभी फिलहाल इसका ट्रेंड अप में ही है, इसका रिवर्सल भी मैंने कुछ गन स्क्वायर ऑफ नाइन और सॉरी गन टाइम स्क्वायर को प्राइम पाई स्क्वायर से मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो भी मैंने लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसका रिवर्सल का कब तक आ सकता है, कौन सा दिन में बड़ा रिवर्सल हो सकता है, प्रोबेबल डेट्स ये नहीं है कि इसमें 100% सही रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसका पता कर सकता है। तो देखिए इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर दिख रहा है 9845 का ऊपर तो है ही, इसका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा 9907, आप लोग 9910 ही पकड़ सकता है, उसके बाद ये 9946, इसको 9950 पकड़ सकता है, उसके बाद 9987 मतलब 9990। और इधर जो दिखता है 10,061, ठीक है, उसके बाद ये 10,061 के बाद ये और भी ऊपर जा सकता है। और नीचे जाने का जो नीचे जो सपोर्ट है इसका 9845 में इसका पहला सपोर्ट बनेगा, उसके बाद एक मिनट मेरा नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। इसके बाद 99 इसके बाद 9828, ठीक है, इसके बाद 9791, इसके बाद 9751, उसके बाद 989638, 9575 मतलब 9500 में इसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उसके बाद 9441 तक इसका आ सकता है फिलहाल। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने बता चुका हूँ, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने डिस्कस भी किया था और बाद में भी और भी दिखाऊंगा, बहुत सारा बाइसेल लेवल्स जो आप लोग को जब आप लोग को दिमाग पे रहेंगे तो रहेगा, तो आप लोग को ट्रेड करने के लिए सुविधा हो जाएगा। देखिए ये जो 61.8% के ऊपर जब गया था 9373 के ऊपर, ये एक अप मूवमेंट पकड़ लिया, इसका 9948 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, हो सकता है उसका ऑलरेडी तो 9889 तक चला गया, 9959 तक कभी कभी ऊपर जाके फिर नज़दीक जाके फिर से रिवर्स हो सकता है,
9948 तक ये जा सकता है, उसका उधर से फिर से रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो 9948 ये ब्रेक करेगा तो मतलब 9950 ब्रेक करेगा तो इसका 10523 तक ये इसका रैली हो सकता है, ठीक है। और इधर उसके बाद 11235 तक उसके ऊपर जाएगा तो इसका अप ट्रेंड आ जाएगा। और जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है इधर देखिए, जो इधर जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है इधर का जो एंगल है ये 10,000 का जो लेवल है 10,000 का आसपास ये बहुत ही अच्छा मतलब रेजिस्टेंस बनेगा, 10,061 का रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि इसका ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एंगल्स इस इधर काट कर रहा है इधर काट कर रहा है। और इधर जो चीज़ और भी दिखाना चाहता था वो है कि देखिए इधर लगातार 3 दिन से ये कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना है, इधर देखिए हायर हाई हायर लो लगातार 3 दिन से ये बना है, तो इसका जब हाई ब्रेक करेगा तो इसका मतलब 9889 ब्रेक करेगा तो इसका बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, नहीं भी ब्रेक कर सकता है लेकिन ब्रेक करेगा तो इसका रैली हो सकता है, बहुत ही अच्छा रैली इस ये दिखा सकता है। ऑलरेडी ये इधर से देखिए इधर से जो रैली मतलब 22 तारीख से इसका जो रैली चालू हुआ था ये चालू है ऑलरेडी इसका चालू है, तो जो शॉर्ट साइकिल जो बना है इसमें इसका अंदर जो शॉर्ट साइकिल है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के अंदर भी शॉर्ट साइकिल बनता है। इधर देखिए इधर से जो ये देखिए ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये वेव थ्री, वेब थ्री, इसका वेब फोर, इसका वेब फाइव चल रहा है, ये वेब फाइव जा सकता है इसका, ये मेरा ख्याल से इसका जो मतलब ये जो वेब है यही इसका लास्ट इम्पल्सिव वेब है, इसके बाद ये करेक्शन वेब फिर से आएगा, यही लास्ट इम्पल्सिव वेब है, इसके बाद ये करेक्शन वेब आएगा शॉर्ट साइकिल में। इसके बाद मैंने निफ्टी का बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के क्योंकि बहुत सारा चीज़ जब डिस्कस करना पड़ता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन थोड़ा सा जब मेरा भी तकलीफ होता है, लेकिन आप लोगों के सामने क्लियर पिक्चर ले आने का कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में लेकिन अब लोग देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ था, इसका एक स्टिक है ये गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन इसका सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, इसका लॉन्ग टेल आप साइड में इसका लॉन्ग टेल है, ठीक है, 61,167 तक ये गया था, उसके बाद 21,353 तक इसका लो आ गया था, मुश्किल से ये 21,534 ये मैनेज किया 534 में ये क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसका ये बियर इसका दिया है इसका लॉन्ग अपर कैंडल है, मतलब इसका सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें बैंक ट्रेंड तो आप में है, ट्रेंड में कुछ कह नहीं जा सकता, ट्रेंड तो आप ही है, इसका कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड मेरा एक मिनट नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ट्रेंड तो आप में दिख रहा है, और इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनता है इधर 29,400 तो बन चुका है इसका 29,900 में 21,900 में इसका नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। मैंने एक मिनट फिर से चार्ट को लोड करने का कोशिश करता हूँ, चार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, नेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, thank you.
सर मैं थोड़ा नेट मैं थोड़ा नेट मैं थोड़ा नेट मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेट थोड़ा सा स्लो है, फिर से काट जा रहा है, नेट में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। बैंक निफ्टी चार डिस्कस करूंगा, ये इतना नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका आप लोग देख सकता है, इसका सेलिंग प्रेशर है, लेकिन अप ट्रेंड में है जरूर, लेकिन इसका सेलिंग प्रेशर है। एक नीचे भी नीचे आने का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि नीचे भी आ सकता है। इसका रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, और भी बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा उसके बाद ही। मैंने अच्छा इसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसका देखिए 20,539 में इसका सपोर्ट है, उसके बाद 20,944, उसके बाद 21,491, ठीक है। और इधर 22,898, 22,448, 22,448, उसके बाद इसका जो दिख रहा है इधर चला जा रहा है। इसमें इसके बाद 23,500 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी है, 23,500 तक ऊपर। और नीचे वाला जो है, नीचे इसका जो बनता है इसका 21,000 में तो इसका बना है 434, 21,494 का नीचे ये आ सकता है, 21,138 आ सकता है, 20,539, 19,985, ये सब लेवल ये आ सकता है, ठीक है। नीचे वाला सपोर्ट ये है। और भी मैंने वाइस सारे लेवल्स दिखा के, मैंने चार्ट में जो दिखाता हूँ मैंने एक्चुअली चार्ट का ट्रेंड और इसका सपोर्ट देने के लिए चार्ट ओपन करने के लिए चार्ट ओपन करता हूँ। मैंने वाइस सारे लेवल से आप लोगों को एक्चुअली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का जो लेवल्स है वो आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो इसका भी जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड बनता है इसके लिए थोड़ा सा चार्ट चला जा रहा है यार। नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ इसका भी थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये भी मैंने आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे तो आप लोग को ये सभी दिखाऊंगा। नहीं ओके, तो देखते हैं। इसमें 21,600 के ऊपर इसका अप ट्रेंड आया था, ये 23,805 तक ये प्रोबेबिलिटी जाने का प्रोबेबिलिटी है, 21,967 गया है इसका 21,600 के ऊपर, ये 23,805, 25,533, उसके बाद 26,000 का ऊपर जा सकता है। नीचे इसका 18,992 के नीचे ये 15,223, 10,000 और उसके बाद 7,000 तक ये आ सकता है। अच्छा इसका मैंने इसके बाद मैंने फ्यूचर का एनालिसिस करूँगा इसका।
और इसका जो फ्यूचर का जो लेवल्स है, फ्यूचर का जो लेवल्स है इसमें देखिए, ये फ्यूचर जो इंडेक्स है ये फ्यूचर्स का नीचे, सॉरी फ्यूचर इसका ऊपर चल रहा है। मतलब फ्यूचर्स में ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या दर्शाता है, इंडेक्स कुछ स्टॉक्स का दिखाता है, लेकिन इसका जो फ्यूचर्स का जो लेवल है ये इंडेक्स का नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। अच्छा, इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इसका 10,000 का, 10,000 का ऊपर 10,027 ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही मतलब इसका पॉइंट नेक्स्ट लेवल जा सकता है 10,150 के आसपास। इसके बाद ये फिर से ऊपर जा सकता है, 10,700 तक ये ऊपर जा सकता है। नीचे इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 9,600 का नीचे, इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद ये 9,500, इसके बाद ये ब्रेक करेगा, मतलब 9,300 या 9,200 ब्रेक करेगा तो ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है बैंक, सॉरी निफ्टी का। कैश सेगमेंट में बाइंग का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट में ये बाइंग का प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रहा है। तो इधर ये मतलब फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म में कितना प्राइस एक्सपेक्ट करता है पीपल, लॉन्ग टर्म में जो प्राइस अच्छा प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में बाइंग होगा, नहीं तो फ्यूचर को सेल करना पड़ता है। ये एक हेजिंग मेकानिज्म है। आप लोग जो लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जानता है या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जानता है, फ्यूचर्स को जानता है, तो ये जो फ्यूचर्स का नीचे जाता है तो आप लोग एंटिसिपेट कर रहा है कि सोच लीजिए, वो सब बाद में दिखाऊंगा, के सोच लीजिए चावल का प्राइस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसका बढ़ेगा, तो आप लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सोच लीजिए, अभी 20 रुपया चल रहा है, अभी 25 रुपया कॉन्ट्रैक्ट आप लोग बाई करके रखा है, लेकिन उसका प्राइस ना आ गया तो लॉस हो जाएगा, तो एंटिसिपेट नहीं, लेकिन एंटिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए फ्यूचर्स का फ्यूचर्स नीचे रहा है, एक हेजिंग मेकानिज्म है। तो फ्यूचर्स जब नीचे चलता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका लॉन्ग टर्म में इसका गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एनीवे तो फ्यूचर इंडेक्स एक कुछ स्टॉक्स या स्टॉक्स का जो कैश सेगमेंट वो उसका इंडेक्स है, तो इसीलिए इंडेक्स पड़ता है। वो सब बाद में मैंने डिस्कस करूँगा, वो ट्रेनिंग का शेड्यूल में है। ये अभी मेरा अभी यह काम है निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करना। तो इधर देखिए, इधर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का जो लेवल है 22,000 का ऊपर, 22,100 के ऊपर, ठीक है, 22,100 के ऊपर जब ये जाएगा तो इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और इधर जो इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इधर दिख रहा है 21,100 का नीचे, ये नीचे आ सकता है 20,529। इसके बाद इधर एक सपोर्ट दिख रहा है 19,936, उसके बाद 18,790, ऐसे करके ये नीचे आ सकता है। इसके बाद मैंने ऑप्शन चेन को थोड़ा सा देख लूँगा। ऑप्शन चेन देख के भी आप लोगों को उसी के बारे में थोड़ा सा पता मिल जाएगा। तो देखिए, इधर निफ्टी का जो है, निफ्टी 7 मई का मैंने ओपन किया हूँ, इसका पीसीआर रेशियो 1.44 है, ठीक है, पीसीआर रेशियो ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास चला गया है। ये ऊपर जा रहा है ज़रूर, लेकिन इसका रिवर्सल का भी बन सकता है। इधर 10,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 10,000 के नीचे देखिए शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, तो 10,000 तक ये आ सकता है। इसका जो लास्ट जो है, और इधर जो सबसे ज़्यादा कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना है, और पुट साइड में इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 9,500 में दिख रहा है, 9,500 में दिख रहा है, और इधर ओपन इंटरेस्ट शॉर्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो शॉर्टिंग जब ज़्यादा होता है तो और भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इधर भी लॉन्ग बिल्डअप है तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इधर कॉल साइड में देखिए पीसीआर रेशियो बढ़ा है, पीसीआर रेशियो बढ़ गया है, लेकिन आईवी डिक्रीज किया है, और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, लेकिन आईवी डिस्कस हो रहा है, इधर शॉर्ट फॉर्मेशन होने का एक प्रोबेबिलिटी बनता है।
और इधर जब आईवी इंक्रीज किया है और प्राइस चेंज ओपन इंटरेस्ट प्राइस इंटरेस्ट बनता है, इधर लॉन्ग बिल्डअप होने का पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप होने का प्रॉबिलिटी बनता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ है कि रिवर्सल आने का टाइम आ सकता है। लेकिन फिलहाल 9,900 या 10,000 तक ये जा सकता है, और भी मैंने डिस्कस करूँगा, डिस्कस करने का तो इरादा है, लेकिन इधर नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी को देख लेता है, नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या एक्टिविटी चल रहा है देखिए। नेक्स्ट एक्सपायरी में भी इधर देखिए 10,000 में इसका लॉन्ग बिल्डअप, 10,100 तक इसका लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद से ये शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, और इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर शॉर्टिंग हो रहा है, इधर इधर सपोर्ट बना है 9,000 में, इसका सपोर्ट बना है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एक्सपायरी बनता है, मैंने 21 मई तक तीनों एक्सपायरी देख लेता हूँ। ठीक है, उसमें से पता चलता है एक, और इधर पीसीआर रेशियो भी इसका मतलब मैंने दिखा दिया, ये सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब इसका आपस फेस ये रहा। देखिए इधर भी 10,000 में, मतलब 10,000 में इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इधर 7,500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है 7,500 में, इधर मतलब इसका सपोर्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 28 मई को भी देख लेता है एक बार, 28 मई का जो है इधर इधर भी इधर इधर का जो है ऑलमोस्ट 2 के आसपास, पीसीआर रेशियो 2 के आसपास चला गया, 2 के ऊपर ही चला गया, तो इधर जो कि 9,950 में इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है, 10,050 में भी लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, तो इधर जो बहुत ही तगड़ा लॉन्ग बिल्डअप होना है, और इधर 9,750 में इधर शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर 9,850 में भी शॉर्टिंग हो रहा है, तो मतलब इसका बनता है 9,950 या इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, और 9,750 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनेगा, 9,950, 9,750, उसके बाद 9,500 इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनेगा। एनीवे इसके बाद बैंक निफ्टी को दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी को दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने पीसीआर रेशियो शायद कैलकुलेट नहीं किया, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ 1.01, मतलब इसका, सॉरी मैंने शायद गलत देख रहा हूँ, इधर 7 अप्रैल को, सॉरी 7 मई को देखना पड़ेगा। आप लोग धीरज रख के पूरा देखिए, मैंने जितना हो सके आप लोगों को सामने एक क्लियर पिक्चर ले आने का कोशिश करता हूँ, और पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1006 डिवाइडेड बाई 1172, इधर 0.85, मतलब 1 के नीचे है, पीसीआर रेशियो इसका गिरा है। ठीक है, पीसीआर रेशियो गिरा है, इसका जो सपोर्ट बना है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 22,000 में दिख रहा है, इधर थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन 21,800 में इसका बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, 21,700 तक ये जा सकता है, लेकिन ये 21,800 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है दिख रहा है, इधर इसके बाद वो जाएगा तो 22,000 तक जा सकता है, 21,800 का ऊपर जाएगा तो ये 22,000 तक जा सकता है, 22,000 का ऊपर जाएगा तो ये 22,400 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद इसका मैंने इतना दूर तक नहीं देखता हूँ, इधर 22,700, इसके बाद 22,900, इसके बाद 23,000 तक इसका, ये 22,800 तक ऊपर जाएगा तो एक एक लेवल जाएगा तो ये 23,000 तक आ सकता है, ऐसे करके देख हो सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है, हो सकता है मतलब ऊपर जा सकता है।
21,000 में इसका लॉ सपोर्ट सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों, 20,000 में सपोर्ट है। इधर ओपन इंटरेस्ट कुछ इधर लॉन्ग बिल्ड इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और देखिए इधर पीसीआर इधर आईबी कम हुआ है और इधर आईबी ज़्यादा हुआ है, और इधर पीसीआर रेशियो गिरा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो जो है ये मतलब इधर लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप ये ऊपर जाने का इंडिकेट कर तो रहा है जरूर, लेकिन रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि इधर कॉल साइड में पोलारिटी इम्प्लाइड पोलारिटी कम गया है, पीसीआर रेशियो कम है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी को दिखाऊंगा, प्रॉबिटी देखिए क्लियरली ऊपर दिखा रहा है, मैंने इधर से कैलकुलेट किया हूँ, करेंट मार्केट प्राइस इंप्लाइड कॉल इंप्लाइड वोलेटिलिटी पुट इंप्लाइड वोलेटिलिटी और डेज टू एक्सपायरी, ठीक है। इधर ऊपर जाने का प्रॉबिटी ज़्यादा दिख रहा है, इधर भी ऊपर जाने का बैंक निफ्टी का भी ऊपर जाने का प्रॉबिटी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ मैंने डिस्कस करना चाहता हूँ, जो देखिए इधर जो पी रेशियो पी पी बी रेशियो जो है, देखिए फर्स्ट पहले इसका और इसका जो पहले बहुत ही ऊपर जब 12,430 तक चला गया था निफ्टी का जब रैली हुआ था, पी रेशियो इसका ऊपर चला गया था, ये नीचे आने वाला ही था, ठीक है। तो ये नीचे आया है बहुत ही अच्छा, जब 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 इसका देखिए ये नीचे आ रहा है, ये 20 का नीचे ये आप लोग नोटिस कर सकता है, इसका 20 का नीचे आ गया है, 20 का नीचे आ चुका था, लेकिन फिर से ये मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर से ये ऊपर जाने लग रहा है। इधर से देखिए अप्रैल से मार्केट ऊपर जा रहा है, अप्रैल तक ये इसका नीचे गिरा था, ठीक है, लेकिन ये फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि इसका फिर से ये कुछ और भी कुछ ऊपर जा सकता है, फिर से इसका रिवर्सल आ सकता है। और एक चीज़ मैंने दिखाना चाहता हूँ, जो इंडिया फिक्स मैनी लॉरेल्स एडवोकेट्स फॉर इंडिया विक्स दैट व्हेन द इंडिया विक्स विल राइज मार्केट विल फॉल एंड वाइस वर्सा, बट दैट इज द इनवर्स, देर इज ए परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देर इज नो परफेक्ट को रिलेशनशिप इनवर्स को रिलेशनशिप, येस देर इज डेफिनेटली इनवर्स को रिलेशनशिप इज देयर, बट देर इज नो परफेक्ट इनवर्स को रिलेशनशिप। व्हाई इट इज सो आई एम शोइंग यू, देखिए इसमें इधर पहले तो 86 तक ऊपर चढ़ा गया था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स इसका नीचे आ रहा है, तो इधर इसका जो इंडिया जो 1 अप्रैल से देखिए 1 अप्रैल में इसका इंडिया विक्स से नीचे आया था, इधर जो बैंक निफ्टी का जो सॉरी निफ्टी का जो है 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल में देखिए इधर बैंक निफ्टी नीचे गिरा था, ठीक है, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी नीचे गिरा था, लेकिन इंडेविक्स नीचे आया है, कहाँ है 1 अप्रैल, इधर देखिए इंडेविक्स इसका नीचे आ रहा है, देखिए पहले 71 था, 63 इसका हाई था 31 मार्च, लेकिन ये इंडेविक्स भी नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर फिर से ये नीचे गया है, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है, निफ्टी भी ऊपर गया है, निफ्टी भी ऊपर गया है, लेकिन देखिए इधर 15 सॉरी इधर निफ्टी भी ऊपर गया है, थर्ड निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, इधर देखिए 16 अप्रैल में फिर से निफ्टी में थोड़ा सा नीचे नीचे आ गया है, निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया है, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को आप लोग देखिए निफ्टी कंपेयर कीजिए, इधर निफ्टी नीचे आया है, लेकिन इधर देखिए इधर 15 16 में क्या हुआ है, तो इधर 15 16 में देखिए निफ्टी ये फिर से ये 49 था 15 16 में, इधर देखिए 51 था 51, इधर से 49 42 46 हो गया, ये 49 इसका लो था, ये 44 लो था 15 का, ये 42 और 46 हो गया था। तो मैंने मेरा कहना ये मतलब ये है, ये इंडिया विक्स है कैसे बनता है उसका पहले जानना पड़ेगा बेसिक को, इंडिया विक्स बनता है कि ये ऑप्शन ऑप्शन का जो प्राइस है बिड और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस है, और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी
और जो बीट फ्रेश और एस्पेक्ट फ्रेश जो डिफरेंस है उसी का ऊपर से इंडेक्स बनता है, तो इंडेक्स का इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इंडेक्स नीचे जा रहा है तो निफ्टी और मार्केट ऊपर जाएगा और वैसी वर्षा हो सकता है। एनीवे इसके बाद मैंने कुछ लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, गान 363 एनालिसिस करके आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ कि इधर कैसे ऊपर जा सक मतलब ये इसका पाथ क्या है और कैसे कौन सा पाथ में ये ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है और क्या हो सकता है। तो देखिए 9664 तक इसका थर्ड साइकिल कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद ये 9788 का ऊपर गया है, ये नेक्स्ट लेवल आ सकता है 9944। इधर 10,099, 10,250, 10,350, 10,565, इसका बहुत ही अच्छा लेवल है, ठीक है। इधर 20,950 के ऊपर गया है, 21,539, ये दोनों का लेवल में है, 22,829। ये साइकिल ये गन स्क्वायर ऑफ 9 मैंने बाद में एक वीडियो डालूंगा, आज डालने का इरादा है, तो वो आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। तो 22,829 मार्केट का आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देख सकता है, कंपेयर कर सकते हैं। ये 22,829 जा सकता है, इधर ये 24,459 में इसका बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, 24,459 या हो सकता है 24,460-70, ऐसा कुछ 10-20 पॉइंट आप लोग को बफर रखना पड़ेगा। इधर देखिए 9,388 था, 9,390 में इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये 9,390 का ऊपर गया था, ये ऊपर गया है, ये 9,764 भी ये ब्रेक हो चुका है, ये 9,788 भी वो ब्रेक हो चुका है, ये 9,944 तक ये आ सकता आने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप लोग को पहले भी दिखाया था वो 9,950 में उसका बहुत ही रेज, आप लोग को ऑप्शन चेन भी आप लोग पूरा वीडियो एक बार नहीं तो बार बार दो बार देखिए, तीन बार देखिए, थोड़ा सा आप लोग भी आप लोग को याद रह जाएगा। 9,950 में इसका बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसका मिलेगा। एनीवे तो इसके बाद मैंने जो डेली का जो है उसको आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। डेली का जो गन थी 63 एनालिसिस, और इसके बाद कुछ लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों को दिखाने का इरादा है। और वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, मेरा प्रॉब्लम आ जाएगा, वीडियो कार्ड ऑटोमेटिकली कार्ड भी हो सकता है और मेरा एनी है। तो अभी कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने क्लियर पिक्चर ले आने का। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इसका आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, आप लोग को पसंद आएगा तब भी, नहीं तो आप लोग कैसे करेंगे। एनीवे इसका देखिए 9852 का ऊपर ऑलरेडी है, ये जो डेली का हिसाब से जो और डेली का हिसाब से जो इसका गन 362 एनालिसिस है 9852 का ऊपर ऑलरेडी है, ये 9974 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके बाद कितना तक जाएगा ये मेरा डाउट भी डाउट है। 10,700 तक इधर दिखा रहा है और 9765 का नीचे इसका नीचे आ सकता है, तो आप लोग क्लियरली समझ सकता है 9859 में इसका क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब आप ट्रेंड में है। ये आप लोग इसमें से क्या होता है, ट्रेंड भी पता चलता है और प्रोबेबिलिटी भी पता चलता है, और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप लोग को दिमाग में रहेगा ट्रेड करने के टाइम लाइव मार्केट में, इसका आप लोग को काम पे सुविधा हो जाएगा। आप लोग उधर से रिवर्सल ट्रेड ले सकता है कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद, नहीं तो आप लोग इसका। अच्छा, और भी एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, गन 360 डिग्री का एंगल का हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका प्रोबेबिलिटी इधर देखिए, इधर आप है फिफ्टी फ्यूचर का क्लियरली आप दिखा रहा है, निफ्टी का निफ्टी इंडेक्स का आप दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का थोड़ा सा नीचे दिख रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स का। अच्छा, और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ इधर, और मैंने बाइसेल लेवल ऑफ इक्विटी बैंक निफ्टी निफ्टी काउंटी दिखाऊंगा, उसमें आप लोग को बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा, वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल दिखा दूंगा, ठीक है। और भी बहुत ही सारा लेवलों को सुविधा हो जाएगा, आप लोग को सुविधा हो जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए तब आप लोग को पता चल जाएगा।
इसमें देखिए, इधर जो मैंने 7 डेज का हिसाब से भी बना है, 7 डेज का हिसाब से जो गान का गान 360 एनालिसिस है, इधर देखिए आप ट्रेंड दिखा रहा है 7 डेज का हिसाब से, ठीक है। 7 डेज का हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है इसका आम है, ठीक है। लेकिन इसका जब आप लोग 15 डेज का हिसाब से, ये मैंने कैलकुलेट किया है, इसका लेवल्स भी आप लोग नोट कर सकता है। देखिए 15 डेज का हिसाब से ये सब डाउन दिखा रहा है, 15 डेज का हिसाब से और 1 महीना का हिसाब से। तो क्या क्या निकल के आया है, निकल के आया 1 डेज का 7 डेज का हिसाब से आप दिखा रहा है, लेकिन 15 डेज और 30 डेज का हिसाब से डाउन दिखा रहा है। तो इसका आप लोग भी अंदाजा कर सकता है इसका क्या मूवमेंट हो सकता है, प्रोबेबल मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है। एनीवे, और इसका भी लेवल्स आप लोग 2 रेंज का हिसाब से और ATR का रेंज का हिसाब से, आप लोग ATR का फिबोनाची लेवल्स और गान लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, क्योंकि ये लेवल्स सब आप लोग को लाइव ट्रेड करने के टाइम जब आप लोग को दिमाग पे रहेगा तो ये आप लोग को काम पे सुविधा हो जाएगा कि हाँ ये तो ये इतना दूर तक तो आ गया है, ये ऊपर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो इस इधर से रिवर्सल लेगा, ये कॉन्फर्मेशन ट्रेड आ जाएगा, 20-25 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, मतलब उधर से रेजिस्टेंस में से उधर से मतलब इसका रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, एनीवे इसके बाद मैंने बाद में दिखाऊंगा जो सब लेवल्स प्रोबेबिलिटी का, बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा, तो तब तक